सलाम दोस्तों, मैं रजी अहमद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम जो पार्टी है वो जद्दोजहद में लगी हुई है। आपको बता दें कि इस बार महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव जो है वो काफी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि इस बार जो है तकरीबन 8 से 9 पार्टियां जो है उससे ज्यादा भी हो सकती है, इतनी पार्टी चुनाव लड़ रही है चुनावी मैदान में है। और खास बात यह है कि मनसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी महाराष्ट्र में जो है पूरे दमखम के साथ जो है वो चुनावी मैदान में है। आपको बता दें कि एक तरफ महायुति तो दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी, और तीसरा सबसे बड़ा चर्चा किसी का अगर हो रहा है तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हो रहा है। इम्तियाज जलील, वारिस पठान और तमाम मजलिस के नेता जो हैं उनकी चर्चा हो रही है। उनके विधानसभा के बारे में लोग जानना चाहते हैं, और लोग ये भी चाहते हैं कि क्या होगा आने वाले वक्त में। क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अच्छी खासी सीट लेकर आएगी? क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किंग मेकर बनने जा रही है? क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बगैर सरकार नहीं बनने जा रहा है महाराष्ट्र के अंदर? तो जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार महाराष्ट्र के अंदर जो चुनाव है, इस चुनाव में जो है किसी भी एक पार्टी को जो है बहुमत नहीं मिलेगी, किसी भी एक गठबंधन को बहुमत नहीं मिलती नजर आ रही है। अब तक जो जितने भी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका तो यही मानना है, यही कहना है कि इस बार जो है वोट में काफी बिखराव है, और इस बार जो काफी माथा जो है घूमने वाला चुनाव है। क्योंकि वो इसलिए है क्योंकि देखिए ना, शिवसेना दो भाग में हो गई, एक उद्धव ठाकरे की शिवसेना, दूसरे हो गया शिंदे सरकार जो मुख्यमंत्री है उनके शिवसेना। वहीं आप देखिए एनसीपी का हाल, तो एक अजीत पवार के एनसीपी, दूसरा शरद पवार के एनसीपी। अभी तक जो है वो मामला क्लियर नहीं हो पा रहा है, लोग काफी कंफ्यूजन की स्थिति में है, और इस बार महाराष्ट्र में जो है कुछ भी संभव हो सकता है। और इसी में जो है पूरी मजबूती के साथ मनसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन ताल ठोक रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें मनसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन तकरीबन 16-17 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और बताया तो ये जा रहा है कि कई ऐसे सीट है जो काफी मजबूत है और उस सीट पे एमआईएम जीत सकती है। वर्तमान में आपको बता दें कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2% विधायक हैं, उसके अलावा आने वाले चुनाव में रिजल्ट में कहा जा रहा है कम से कम उनके समर्थक तो ये कह रहे हैं कि 12+ विधायक जीत के आएंगे। अगर ऐसा हो गया कि 10 से 12 अगर विधायक जीत के आ गए मजलिस के, तो ये लिख कर ले लीजिए कि आने वाले वक्त में बिना मजलिस के, बिना एमआईएम के जो है वो सरकार नहीं बनने जा रहा है। यानी मजलिस भी चाहे सत्ता में हो या बाहर से समर्थन करे, यानी समर्थन जरूरी होगा। मूल बात यही है कि उनका समर्थन जरूरी होगा अगर मजलिस 12 सीट भी जीतने में कामयाब हो जाती है। तो आपको क्या लगता है इस बारे में, आपकी क्या राय है कि इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में क्या कोई बड़ा उलटफेर होगा, क्या आपको अभी से दिख रहा है? अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं फिर और किसी वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद।